दोस्तों, अगर इस तरह का आपका FRP लॉक होता है आपको, तो मतलब एक गूगल अकाउंट मांगते हैं, तो सबसे पहले आपको वाईफाई या शेड्यूल डाटा अकाउंट आपको ऐड करना है। तो जैसे भी आप चाहें वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको कनेक्ट करना हो तो इससे भी कर सकते हैं, वरना आप जिस तरह चाहिए उस तरह कर सकते हैं। और तो हम चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है, एग्री करेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका तो इसमें आपको सबसे पहले अपना वो गूगल आईडी डालना है जो आपने यूज किया, लेकिन अगर वो नहीं है तो सबसे पहले आपको कुछ भी कर देना है। इस तरह से आपको इसको काफ़ी टाइम तक प्रेस करना है। उसके बाद इधर, उसके बाद असिस्टेंस, असिस्टेंस पे वो करना है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो आप इधर सेटिंग, इधर आपको इधर देखना है, टेक्स शॉर्टकट, इसको ओके करना है। उसके बाद इधर ऐड, यहाँ पर ऐड शॉर्टकट, इसमें आपको कुछ भी ऐड करना है, ऐसे ऐसे कुछ भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद असिस्टेंट खुल जाता है, असिस्टेंट पे ओके करेंगे तो आपको गूगल पर, गूगल से आप यहाँ पर ना थैंक्स करके आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने पर आप सेटिंग सर्च कर लेंगे कि कौन सा आपका मॉडल है, देख लेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देख लेंगे अपना मॉडल, ये इधर मॉडल देख लेंगे, ठीक है, ये है टोटल मॉडल में आप अपना जो कुछ भी चेक करना है, लीगल इंफॉर्मेशन, जे फाइल टोटल, सर्वे इंफो, तो यहाँ पर देखिए मार्च में लो ये चीज़, ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद करे रहेंगे। उसके बाद बैक करते हैं, ठीक है, तो इधर वही क्रिया फिर एक बार, असिस्टेंस, यहाँ से आप क्रोम क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद आपको ये करेंगे एक्सेप्ट, नो थैंक्स, और उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे ले वी ये वाली आ जाएगी, लेवेली जेटी टैक्स सर्विस, इसको आपको ओपन करना है। इसमें आने के बाद इस वाले को ओपन करना है। दोस्तों, इसमें से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो ज़रूरत हो आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल अकाउंट बाईपास नंबर 1 पर, अगर इसको ज़रूरत हुई है ऐड गूगल अकाउंट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइन इन टू गूगल अकाउंट, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे तीसरे नंबर को डाउनलोड करना है, इसको ओके कर देंगे कि ओपन होगी न्यू वेबसाइट, फिर से वही। तो इमेज में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू डाउनलोड, क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपका डाउनलोड अपडेट परमिशन करना है, अलाउ कर देना है, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक है, उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद हम बैक जाएंगे, ठीक है, बैक जाने के बाद आप 5 नंबर डाउनलोड, ए गूगल अकाउंट मैनेजर 5, आपका मैनेजर 5 हो तो मैनेजर 5 डाउनलोड कर लीजिए। 606 हमारा 6 था, मैंने दिखाया शुरू में, तो 6 हम डाउनलोड करना है। 6 ओपन करेंगे, 6 ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना है हमें। इस तरह से दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, दोनों फाइल को, तो क्लिक टू डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे, उसके बाद दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलेंगे हम देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड पे देख लेंगे।
गूगल अकाउंट डाल देना है, उसके बाद उसका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें और इसके बाद टोटल ओके कर देना है। तो गूगल अकाउंट ऐड हो गया है, बस हमें क्या करना है, सारी चीज़ें बैक करना है। बैक करते हुए हमें उसी जगह जाना है जहाँ पर हम ऐड किए थे, सारी चीज़ें पीछे करते हुए चले जाना है यहाँ पर। एक बार पूरा पीछे चले जाना है और पूरी तरह से नेक्स्ट करके एग्री करना कर लेना है। अकाउंट एडेड यहाँ पर शो कर रहा है, तो बस नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम वीडियो को स्किप करेंगे, थोड़ा काट देंगे, बाकी आगे दिखाते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नॉट नाउ पे ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रोटेक्ट डिवाइस को हटा देंगे और स्किप करेंगे, और स्किप एनीवे करके आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना प्रोग्रेस होगा। सैमसंग अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट हम नहीं करेंगे, सबको हम स्किप कर देंगे, और इसके बाद इसको भी स्किप कर देंगे। सारी चीज़ें स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, एग्री कर देंगे, और तो इस तरह से आगे ऑप्शन बढ़ाकर सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और जो अकाउंट ऐड किए हैं उस अकाउंट को चाहेंगे तो हम डिलीट कर लेंगे, कोई दूसरा अकाउंट डाल देंगे, तो आप अकाउंट को बदल भी सकते हैं। वो सारी चीज़ें तो आपका लेटर कर दे रहे हैं, तो फिनिश कर देंगे। इजी मोड ऑन नहीं करेंगे, फिनिश कर देंगे, जैसे मोड है उसी मोड में रहने देंगे। टोटली मोड ऑन हो जाएगा, इस तरह से फ़ोन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सारी चीज़ें यहाँ पर जो ऐप आया हुआ है इसको हम काट देंगे, फिर से डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। जो भी ऐप आपको यहाँ पर जाके हम अकाउंट में अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल अकाउंट ओपन करेंगे तो जो आपने डाला है ये अकाउंट आपको रिमूव अकाउंट कर देना है, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से आप अपने गूगल अकाउंट को बाईपास कर सकते हैं और अपने इस तरह के FRP को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको टेक्निकल वीडियोज और मोबाइल कंप्यूटर सेंटिव वीडियोज़ देते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट हैं और अगर कोई रिलेशन के हैं तो आप हाई स्कूल इंटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी सूचना हम देते रहते हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलेंगे, हाई स्कूल इंटर की पूरी तैयारी कराते हैं, आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताना।
ठीक है, ओके, चलते हैं, एंड करते हैं, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। We'll be right back.